वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे इस पवित्र और चमत्कारी YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो आपके जीवन में वो चमत्कार लेकर आने वाला है जिसे देखकर आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे और आप इन्हें रोक नहीं पाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम गीता को हाथ में लेकर आपसे कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल देंगी। ये केवल एक वीडियो नहीं है, यह आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक बनने वाला है। बागेश्वर धाम से ऐसी खबर आई है जो आपके जीवन में तीन बड़े चमत्कारी घटनाओं का संकेत दे रही है। ये घटनाएं इतनी अद्भुत और चमत्कारी होंगी कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपके जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही हमारी सच्ची कामना है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए भगवान का संदेश लेकर आया है और इस संदेश को समझना आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन तीन चमत्कारी घटनाओं की जो आपके जीवन में दस्तक देने वाली हैं। पहली चमत्कारी घटना, प्यारे दोस्तों, बागेश्वर धाम की भविष्यवाणी के अनुसार आपके जीवन में जो पहली चमत्कारी घटना होने वाली है वह आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी है। अगर आप किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं या फिर आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल पा रहा है तो अब समय आ गया है कि वह चमत्कारी पल आपके जीवन में आए। गीता की शपथ लेकर कहता हूं, आप देखेंगे कि एक अप्रत्याशित रूप से बड़ी सफलता आपके कदम चूमेगी। माता रानी की कृपा से आपके शत्रु शांत हो जाएंगे और आपके जीवन में नए अवसरों की बौछार होगी। दूसरी चमत्कारी घटना, अब आइए बात करते हैं दूसरी चमत्कारी घटना की। दोस्तों, जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी या स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए यह खबर किसी वरदान से कम नहीं है। बागेश्वर धाम की भविष्यवाणी के अनुसार माता रानी की कृपा से आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अगर आप विश्वास के साथ इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी बीमारी जैसे हवा में उड़ गई है। यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि एक चमत्कार है जो आपकी जिंदगी में घटने वाला है। तीसरी चमत्कारी घटना, अब बात करते हैं तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चमत्कारी घटना की। यह घटना आपके परिवार और घर से संबंधित है। बागेश्वर धाम का कहना है कि जो भी लोग पारिवारिक कलह या आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं उनके जीवन में अब सुख शांति का वास होगा। माता रानी की कृपा से आपके घर में धन धान्य और सुख शांति की वर्षा होगी। आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि आप खुद को और अपने परिवार को नए रंग में रंगा हुआ पाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये चमत्कारी घटनाएं आपके जीवन में अवश्य घटित हों तो इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत आवश्यक है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह माता रानी का संदेश है जो आपके जीवन को नई दिशा देने वाला है। और अगर आपको लगता है कि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहनी चाहिए तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। दोस्तों, लाइक करने से न केवल आपकी भक्ति को बल मिलता है बल्कि यह एक तरह से माता रानी के प्रति आपका आभार व्यक्त करने का तरीका भी है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना इस बात का संकेत है कि आप माता रानी के आशीर्वाद के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे। और साथ ही जब भी हम ऐसा कोई चमत्कारी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे और उस चमत्कार का हिस्सा बन पाएंगे। देखिए दोस्तों, जीवन में हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी चमत्कार की जरूरत होती है। यह चमत्कार तब घटित होते हैं जब हमारा विश्वास मजबूत हो और हम भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित हों। गीता को हाथ में लेकर मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और जो बातें हमने यहां बताई हैं उन्हें दिल से अपनाएंगे तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन में वे तीन चमत्कारी घटनाएं जरूर घटित होंगी। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए दोस्तों, बागेश्वर धाम ने आपके दुश्मनों के बारे में कुछ बोला है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके भोलेपन और अच्छाई का गलत फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये लोग आपकी आंखों के सामने हैं लेकिन आपने उन्हें पहचानने में गलती कर दी है। बागेश्वर धाम का कहना है कि ये दुश्मन आपके सामने तो आपके मित्र बनते हैं
परंतु पीठ पीछे आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। ये लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। यह आपको आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि जब आपने किसी पर पूरा भरोसा किया तो उसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया। बागेश्वर धाम का कहना है कि यह आपके जीवन के छिपे हुए दुश्मन हैं और अब समय आ गया है कि आप इनसे सावधान रहें। धाम से यह भी खबर आई है कि ये दुश्मन आपके जीवन में आपकी उन्नति को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उनके नाम का पहला अक्षर RLDPQ या R हो सकता है। यह लोग आपके भरोसे को तोड़ने के लिए विभिन्न चालें चल रहे हैं। वे आपकी मेहनत का फल छीनने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी सफलता में बाधा डालने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपको इन दुश्मनों से सतर्क रहना होगा। बागेश्वर धाम का कहना है कि यह लोग आपके भोलेपन और अच्छाई का लाभ उठाने में लगे हुए हैं और आपको इनसे खुद को बचाना होगा। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सबसे पहले आपको इन दुश्मनों की पहचान करनी होगी। अब समय आ गया है कि आप अपनी अच्छाई और भोलेपन को अपनी ताकत बनाएं, न कि कमजोरी। बागेश्वर धाम का आशीर्वाद आपके साथ है और आपको इन दुश्मनों से निपटने में पूरी मदद मिलेगी। आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते आप इन लोगों की चालों से सावधान रहें और अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपना मार्गदर्शक बनाएं। देखिए दोस्तों, बागेश्वर धाम ने आपको दुश्मनों की पहचान के साथ साथ उनसे बचने के उपाय भी बताए हैं। जीवन में ऐसे लोग अक्सर मिलते हैं जो सामने से तो मित्र बनकर आते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी उन्नति को रोकने का प्रयास करते हैं। ऐसे में इन दुश्मनों से बचने के लिए सतर्कता और सही उपायों का पालन करना बेहद जरूरी है। यहां हम विस्तार से जानेंगे कि आप किन किन उपायों को अपनाकर इन दुश्मनों के जाल में फंसने से बच सकते हैं। आंख बंद करके भरोसा न करें। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय यही है कि आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। विश्वास बहुत कीमती चीज होती है और इसे आसानी से किसी को भी सौंपना समझदारी नहीं होती। बागेश्वर धाम का कहना है कि अक्सर वही लोग आपके दुश्मन बनते हैं जिन पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति पर बिना सोचे समझे आंख बंद करके भरोसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपको हर किसी के शब्दों और कार्यों का विश्लेषण करना चाहिए और तभी उन पर विश्वास करना चाहिए। दो, व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें। दुश्मन अक्सर आपकी व्यक्तिगत जानकारी का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए बागेश्वर धाम का सुझाव है कि आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि आपके निजी जीवन से जुड़ी बातें, बैंक डिटेल्स और अन्य संवेदनशील जानकारियां, दूसरों के साथ साझा करने से बचें। जब तक आप किसी पर पूरी तरह से भरोसा न कर लें, तब तक अपने निजी जीवन से संबंधित कोई भी जानकारी उन्हें न दें। इससे आप उन्हें अपनी कमजोरी का फायदा उठाने से रोक सकते हैं। तीन, सीमाओं का निर्धारण करें। बागेश्वर धाम के अनुसार दुश्मनों से बचने के लिए आपके जीवन में व्यक्तिगत और पेशेवर सीमाओं का निर्धारण करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो वह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपने जीवन में दूसरों के साथ सीमाओं का पालन करें और दूसरों से भी इसका पालन करने की उम्मीद रखें। इससे लोग आपके प्रति सम्मानपूर्ण रहेंगे और आपकी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे। चार, अनावश्यक मीठी बातों से सावधान रहें। अक्सर आपके दुश्मन आपके सामने मीठी बातें करके आपका विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। बागेश्वर धाम का कहना है कि आपको उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो बिना किसी वजह के आपके सामने अत्यधिक मीठी बातें करते हैं। ये लोग आपकी कमजोरी और भरोसे का फायदा उठाने के लिए ही ऐसा करते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति की अत्यधिक मीठी बातों के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करें और उनसे सावधान रहें। पांच, अपने निर्णयों में स्वतंत्रता रखें। अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में दूसरों के प्रभाव से बचें। बागेश्वर धाम का कहना है कि आपके दुश्मन अक्सर आपको गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है
कि आप अपने निर्णय खुद लें और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले अच्छे से सोच विचार करें। अपने विचारों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें और दूसरों के प्रभाव में आकर अपने निर्णय न बदलें। छठा, दूसरों की राय को हमेशा सही न माने। बागेश्वर धाम का कहना है कि आपको दूसरों की राय को हमेशा सही नहीं मानना चाहिए। अक्सर दुश्मन आपकी सोच को प्रभावित करने के लिए अपनी राय देते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की राय उसके व्यक्तिगत अनुभवों और सोच पर आधारित होती है, इसलिए दूसरों की राय को सुने लेकिन उसका आंख बंद करके पालन न करें। अपनी खुद की सोच और तर्कों का इस्तेमाल करें और तब निर्णय लें। सात, अपने लक्ष्यों को गोपनीय रखें। बागेश्वर धाम का कहना है कि आपके लक्ष्यों और योजनाओं को गुप्त रखना बहुत जरूरी है। दुश्मन आपकी योजनाओं को जानकर उन्हें विफल करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपने लक्ष्यों और भविष्य की योजनाओं के बारे में दूसरों के साथ अधिक चर्चा करने से बचें। जब तक आपके लक्ष्य पूरी तरह से हासिल न हो जाएं, उन्हें अपने तक ही सीमित रखें। आठ, सही समय पर प्रतिक्रिया दें। दुश्मन अक्सर आपको उकसाने और गलत प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बागेश्वर धाम का कहना है कि आपको अपने दुश्मनों की चालों को समझकर सही समय पर ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आवेश में आकर या जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें। जब भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपको उकसा रहा है, तो ठंडे दिमाग से सोचें और फिर निर्णय लें। इससे आप गलत कदम उठाने से बच सकते हैं और दुश्मनों की चालों को नाकाम कर सकते हैं। 9. धैर्य और संयम बनाए रखें। दुश्मनों से निपटने के लिए धैर्य और संयम सबसे बड़ी ताकत होती है। बागेश्वर धाम का कहना है कि आपको हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। दुश्मन आपकी शांति को भंग करने के लिए विभिन्न चालें चलते हैं, लेकिन आपको हमेशा शांत और संयमित रहना चाहिए। इससे न केवल आप उनकी चालों से बच सकते हैं, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर भी मजबूती से बढ़ सकते हैं। 10. सकारात्मकता का संरक्षण करें। अंत में बागेश्वर धाम का सुझाव है कि अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें। दुश्मन हमेशा नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने मार्ग से भटक जाएं। लेकिन आपको अपने विचारों में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच से आप न केवल अपने दुश्मनों की चालों से बच सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सफल बना सकते हैं। आपके जीवन में अब परेशानियों का अंत होने वाला है, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी और न्याय के देवता भगवान शनिदेव आप सभी पर प्रसन्न हो चुके हैं। उन्होंने आपकी प्रार्थनाओं और मेहनत को स्वीकार किया है और अब आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आने वाली है। शनिदेव की कृपा से अब आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता आएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में शांति और सामंजस्य बनेगा और आपके करियर में उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे। यह समय आपके लिए कई तरह की खुशखबरी लेकर आने वाला है। अगर आपने लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना किया है, तो अब शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में धन का आगमन होगा। माता लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। शनिदेव का आशीर्वाद आपके स्वास्थ्य को भी सुधारने वाला है। जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान थे, उन्हें अब राहत मिलेगी और वे शारीरिक रूप से पहले से अधिक मजबूत और स्वस्थ महसूस करेंगे। परिवार में चल रहे तनाव और मतभेद भी शनिदेव की कृपा से समाप्त हो जाएंगे। परिवार के सभी सदस्य अब एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति और सम्मान दिखाएंगे, जिससे घर का माहौल पहले से अधिक सुखद और शांतिपूर्ण होगा। अगर आप शिक्षा या करियर के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, तो शनिदेव की कृपा से अब आपको सफलता मिलने वाली है। करियर में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। इसके अलावा शनिदेव का आशीर्वाद आपको न्याय दिलाएगा। यदि आप किसी अन्याय का शिकार हुए हैं, तो अब शनिदेव की कृपा से आपको न्याय मिलेगा और समाज में आपके मान सम्मान की पुनः स्थापना होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि शनिदेव की कृपा को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले शनिवार के दिन शनिदेव का व्रत रखें और उनकी विधिपूर्वक पूजा करें। उन्हें तेल, काला तिल और लोहे से बनी चीजें अर्पित करें। शनि मंत्र AUM
शम शनैश्चराय नमः का जाप करें, जिससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपकी सभी समस्याओं का अंत करेंगे। शनिदेव को दान और सेवा बहुत प्रिय है, इसलिए काले वस्त्र, लोहे के बर्तन, काला तिल और तेल का दान करें। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें, विशेषकर शनिवार के दिन। जब आप जरूरतमंदों की सेवा करते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ होता है और वे आपकी सभी परेशानियों को दूर करते हैं। शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए अपने कर्मों का भी ध्यान रखें, गलत कामों से बचें और सदा सत्य के मार्ग पर चलें। यदि आप सच्चे दिल से अच्छे काम करते हैं तो शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहती है और वे आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते, इसलिए हनुमान जी की उपासना करें और हर मंगलवार और शनिवार को बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ भी शनिदेव की कृपा को बढ़ाता है। जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो शनिदेव अपने भक्तों की सभी समस्याओं का निवारण करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो और आपने इसे अंत तक देखा है तो जाने से पहले इसे एक लाइक जरूर करें। आपका यह एक लाइक न केवल हमारे लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा जो इस ज्ञान से वंचित हैं। सोचिए, अगर इस वीडियो को लाइक करने से आप किसी और के जीवन में भी खुशियां और समृद्धि ला सकते हैं तो यह कितना बड़ा पुण्य होगा। माता लक्ष्मी और शनिदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि का वास हो। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम इसी तरह की और भी चमत्कारी और लाभकारी जानकारी आपके साथ साझा कर सकें। जय शनिदेव, जय माता लक्ष्मी। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और हर कदम पर आपको सफलता मिले। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगले 24 घंटों में हनुमान जी और शनिदेव की कृपा से कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी और जय शनिदेव लिखना मत भूलिएगा, ताकि इस दिव्य आशीर्वाद का प्रभाव और भी बढ़ जाए, आपकी भक्ति और आस्था शनिदेव और हनुमान जी तक पहुंचे और वे आपको अपने आशीर्वाद से नवाजें। सबसे पहली खुशखबरी यह है कि जिन कार्यों में आप लंबे समय से अटके हुए थे वे अब शनिदेव और हनुमान जी की कृपा से सफलतापूर्वक पूरे होंगे। चाहे वह कोई कानूनी मामला हो, कोई बड़ा व्यापारिक सौदा या फिर कोई व्यक्तिगत समस्या, सब कुछ अब आपकी मेहनत और भगवान के आशीर्वाद से सुलझ जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रयास बेकार जा रहे थे तो अब समझ लीजिए कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। हनुमान जी की शक्ति और शनिदेव का न्याय आपके पक्ष में कार्य करेंगे और आपकी हर बाधा दूर होगी। अब जानते हैं कि दूसरी बड़ी खुशखबरी क्या है। शनिदेव की कृपा से आपके आर्थिक हालात में सुधार आएगा। यदि आपने किसी से उधार लिया हुआ है तो अब समय आ गया है कि आप उसे चुका सकें। धन का प्रवाह आपके जीवन में बढ़ेगा और माता लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होगा। आपका व्यापार या नौकरी में वृद्धि होगी और आप अपने परिवार के साथ सुख समृद्धि से भरपूर जीवन व्यतीत कर सकेंगे। शनिदेव का आशीर्वाद आपको नई आर्थिक संभावनाओं की ओर ले जाएगा, जिससे आपका जीवन खुशहाल बनेगा। अब हम तीसरी खुशखबरी की ओर बढ़ते हैं। तीसरी खुशखबरी यह है कि आपके परिवार में किसी लंबे समय से चली आ रही बीमारी का अंत होगा। अगर आपके परिवार में कोई सदस्य किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो हनुमान जी और शनिदेव की कृपा से अब उसे राहत मिलने वाली है। चिकित्सा में सुधार होगा और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। हनुमान जी की शक्ति आपके परिवार को हर प्रकार के दुख और कष्ट से मुक्ति दिलाएगी। देखिए दोस्तों, जब शनिदेव और बजरंगबली आपके जीवन में प्रसन्न हो गए हैं तो यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। लेकिन प्यारे दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण है कि आप इस समय को सही दिशा में लेकर जाएं। जब भगवान आप पर कृपा करते हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनकी कृपा लगातार बनी रहे और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता रहे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह हमारे प्रयासों को सराहने का तरीका है और इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आएं। अब
जब शनि देव और बजरंग बली प्रसन्न हैं, तो आपको अपने घर और जीवन में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहले घर में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। शनिदेव को साफ सफाई बहुत पसंद है और अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की गंदगी होगी तो इससे उनकी कृपा कम हो सकती है। सुबह सुबह घर में झाड़ू पोंछा लगाना, घर के मंदिर को साफ रखना और घर के मुख्य दरवाजे के पास एक छोटा सा दीपक जलाना, ये सब कार्य आपकी ओर से भगवान को प्रसन्न करेंगे। इन उपायों में आपको कोई खर्च नहीं करना होगा, बस अपने समय और श्रम से ही आप इन्हें कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन उपायों की जिन्हें करने में आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इनका असर आपके जीवन में अद्भुत होगा। सबसे पहला उपाय है शनिवार के दिन काले तिल का दान करना। लेकिन यहां एक खास बात है दोस्तों, यदि आप दान नहीं कर सकते तो किसी गरीब को काले तिल देकर उससे उसका आशीर्वाद लेना भी एक बड़ा पुण्य कार्य होगा। काले तिल शनिदेव को अत्यधिक प्रिय हैं और यह उपाय बिना किसी खर्च के आपकी किस्मत बदल सकता है। दूसरा उपाय है हनुमान जी का स्मरण करना। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपके पास समय कम हो तो केवल हनुमान जी के समक्ष बैठकर जय बजरंग बली का 108 बार जाप कर लें। इस उपाय में भी आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, लेकिन इसका प्रभाव आपकी पूरी जीवन धारा को बदल सकता है। हनुमान जी की कृपा से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मनोबल मजबूत होगा और आपके सभी कार्य सफल होंगे। तीसरा उपाय यह है कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर साफ जल से धोकर वहां हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। यह एक अत्यंत शक्तिशाली उपाय है जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा और नकारात्मकता को दूर करेगा। इस उपाय को करने में भी आपको कोई आर्थिक खर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाएगा। अब बात करते हैं चौथे उपाय की। दोस्तों, यह उपाय भी बेहद सरल और प्रभावशाली है। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि देव का स्मरण करें। यदि आप यह नहीं कर सकते तो केवल पेड़ के नीचे बैठकर शनि देव का ध्यान करें और उनसे अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। इस उपाय में भी कोई खर्च नहीं है, लेकिन इसके फलस्वरूप शनि देव की कृपा से आपके जीवन में हर प्रकार की बाधाएं दूर होंगी। प्यारे दोस्तों, जीवन में जब भगवान की कृपा होती है तो हमें भी उनके प्रति अपनी आस्था और समर्पण को बनाए रखना चाहिए। ध्यान रखें कि आप अपने मन और वाणी को साफ रखें। शनिदेव और बजरंग बली की कृपा से आपका जीवन हर प्रकार से सफल होगा, लेकिन इसके लिए आपको अपनी आचरण और विचारों को भी शुद्ध रखना होगा। झूठ, छल, कपट और किसी भी प्रकार की अनैतिकता से दूर रहें। जब आप सच्चे और ईमानदार रहेंगे तभी भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन में खुशियों की बरसात होती रहेगी। आखिर में दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें तो भगवान हनुमान जी और शनिदेव का स्मरण करें। उनका आशीर्वाद आपके हर कार्य को सफल बनाएगा। साथ ही जब भी आपको लगे कि कोई कठिनाई सामने आ रही है तो हनुमान जी और शनिदेव का स्मरण करें। उनकी शक्ति और आशीर्वाद से आपकी हर परेशानी दूर होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ सरल और प्रभावशाली उपाय जिन्हें अपनाकर आप शनिदेव और बजरंग बली की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय न केवल आपकी समस्याओं को हल करेंगे बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाएंगे। याद रखें, कोई भी उपाय करने से पहले भगवान का स्मरण करना न भूलें, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे साझा करना न भूलें, ताकि वे भी भगवान की कृपा से लाभान्वित हो सकें। देखिए दोस्तों, जब भगवान शनि देव और बजरंग बली आप पर प्रसन्न होते हैं तो यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि आप अपने जीवन और घर में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। आज हम बात करेंगे उन चार चीजों के बारे में जिन्हें आपको अपने घर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये चीजें शनि देव और बजरंग बली की कृपा को कम कर सकती हैं और आपके जीवन में नकारात्मकता को बढ़ा सकती है। सबसे पहले दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि भगवान शनिदेव और बजरंग बली दोनों ही सच्चाई
अनुशासन और पवित्रता को अत्यधिक महत्व देते हैं। जब आप इनके आशीर्वाद के पात्र होते हैं तो आपको इनकी कृपा बनाए रखने के लिए अपने घर और जीवन को भी उसी तरह से संचालित करना होगा। अब जान लीजिए दोस्तों, पहली चीज जो आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए वह है टूटी हुई या क्षतिग्रस्त मूर्तियां, चाहे वह किसी भी देवी देवता की हो। अगर आपके घर में कोई मूर्ति टूट गई है तो उसे तुरंत किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दें। टूटी हुई मूर्तियों को घर में रखना अशुभ माना जाता है और यह शनि देव और बजरंग बली की कृपा को कम कर सकता है। जैसे अगर आप अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की एक मूर्ति रखते हैं और वह मूर्ति टूट जाती है तो उसे वहीं नहीं रखना चाहिए। यह शनि देव और हनुमान जी के प्रति सम्मान की बात है। दूसरी चीज दोस्तों, वह है बंद घड़ी। जी हां, अगर आपके घर में कोई घड़ी बंद हो गई है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं या उसे घर से हटा दें। बंद घड़ी को घर में रखना समय के रुकने का संकेत है और यह आपके जीवन में तरक्की और खुशियों को रोक सकता है। शनि देव समय के देवता माने जाते हैं और समय का ठहराव उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे अगर आपकी दीवार पर लगी घड़ी बंद हो जाती है और आप उसे बस ऐसे ही लटका कर रखते हैं तो यह शनि देव की कृपा को बाधित कर सकता है। तीसरी चीज जो आपको घर में नहीं रखनी चाहिए वह है कांटेदार पौधे। यह बात समझने योग्य है कि घर में सुख समृद्धि के लिए हरे भरे और सकारात्मक ऊर्जा देने वाले पौधों का होना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप घर में कैक्टस या अन्य कांटेदार पौधे रखते हैं तो यह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। शनि देव और बजरंग बली को कांटेदार चीजें पसंद नहीं है क्योंकि ये दर्द और कष्ट का प्रतीक होती है। अगर आप अपने घर में ऐसे पौधे रखते हैं तो यह आपकी जीवन यात्रा में कांटे की तरह बाधा बन सकते हैं। चौथी और आखिरी चीज दोस्तों, वह है टूटे फूटे बर्तन। चाहे वह किसी भी प्रकार का बर्तन हो, अगर वह टूट गया है या फूट गया है तो उसे घर में रखना अशुभ माना जाता है। टूटे हुए बर्तन को घर में रखने से आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं और परिवार में विवाद भी हो सकते हैं। यह शनि देव और बजरंग बली की कृपा को कम कर सकता है। जैसे अगर आप एक टूटा हुआ कप या प्लेट घर में रखते हैं तो यह आपके घर में धन और शांति के प्रवाह को रोक सकता है। दोस्तों, यह सब बातें बहुत ही साधारण और सामान्य लग सकती हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। भगवान शनि देव और बजरंग बली के प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान तभी सार्थक होती है जब हम उनके द्वारा बताई गई बातों का पालन करते हैं और अपने जीवन को पवित्र और व्यवस्थित रखते हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और अपने घर से इन चीजों को हटा देते हैं तो निश्चित रूप से शनि देव और बजरंग बली की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। जीवन में सुख समृद्धि और शांति के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने घर और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें और उन चीजों को दूर करें जो हमारे जीवन में नकारात्मकता ला सकती हैं। आखिर में दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यह आपकी ओर से हमें प्रोत्साहन है कि हम आपके लिए और भी उपयोगी जानकारियां लेकर आते रहें। याद रखें, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हनुमान जी और शनिदेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे। देखिए दोस्तों, इस समय आपके जीवन में एक अद्भुत अवसर आ रहा है। भगवान शनिदेव और बजरंग बली के आशीर्वाद से आपके जीवन में 5 प्रमुख शुभ योग बन रहे हैं। इन योगों के कारण आपको अगले दिनों में कई चमत्कारिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। शनिदेव और बजरंग बली की कृपा से आपके जीवन में पान सुख और समृद्धि में वृद्धि कर देखने को मिलेगी। यह योग आपके परिवार और व्यक्तिगत जीवन में खुशहाली लाएगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपके द्वारा किए गए प्रयास अब रंग लाएंगे। आपके द्वारा की गई मेहनत अब सफल होगी और आपको अपनी मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा। आपका परिवार सुख शांति से भरा रहेगा और घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। यह समय आपके लिए समृद्ध और समृद्धि का संकेत है, जिसमें आपकी वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी और आपके खर्चे भी नियंत्रित रहेंगे। इसके अलावा भाग्य में सुधार आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। आपकी किस्मत अब आपके साथ होगी और जो कार्य लंबे समय से अटके थे वे अब पूरे होंगे। आप जिन कार्यों की योजना बना रहे थे वे अब सफल होंगे और आपको अपने सपनों को साकार करने का मौका मिलेगा। इस योग के तहत आपके जीवन में भाग्य के दरवाजे खुलेंगे
और आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। यह समय आपके लिए बहुत भाग्यशाली है, जिसमें आप अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। राजकीय लाभन भी आपके जीवन में आने वाला है। इस योग के तहत आपकी सामाजिक मान्यता और सम्मान में वृद्धि होगी। समाज में आपके काम की सराहना होगी और आपको महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं। यह समय आपके लिए उच्च पद और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का है। आपकी मेहनत और समर्पण अब समाज में आपकी मान्यता को बढ़ाएंगे और आपको उन अवसरों तक पहुंचने में मदद करेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। शनिदेव का सहयोग आपके जीवन में स्थिरता और सुधार लाएगा। शनि की साढ़े साती या ढैया के प्रभाव को कम किया जाएगा, जिससे आपके जीवन में समृद्धि और स्थिरता आएगी। शनिदेव की कृपा से आपकी समस्याएं हल होंगी और आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। यह समय आपके लिए शांति और स्थिरता का संकेत है, जिसमें आप अपनी समस्याओं से राहत महसूस करेंगे और जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकेंगे। अंततः चमत्कारिक सुधार आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इस योग के तहत आपके स्वास्थ्य, शिक्षा और करियर में आश्चर्यजनक बदलाव होंगे। आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आप मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। आपकी पढ़ाई में भी सफलता मिलेगी और आप किसी महत्वपूर्ण परीक्षा या प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। आपके करियर में भी सुधार होगा और आप नई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है, जिसमें आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे और अपने जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव देखेंगे। देखिए दोस्तों, जब ये पांच बड़े शुभ योग आपके जीवन में बन रहे हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। आपकी किस्मत अब चमकने वाली है और आपके जीवन में खुशियों का तूफान आ सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसलिए अपने कर्मों में लगे रहें और ईश्वर पर विश्वास रखें। जब आप अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा को मिलाकर आगे बढ़ेंगे, तो आपके जीवन में सभी इच्छाएं पूरी होंगी और आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। आपके इस समय की सभी चमत्कारिक घटनाओं को जानने के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, बजरंग बली और शनिदेव के नाम लिखें। देखिए दोस्तों, माता भद्रकाली का चमत्कार आपके जीवन में अब होने वाला है और यह सचमुच एक अनोखा अवसर है। माता भद्रकाली की कृपा से आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। उनकी प्रसन्नता और आशीर्वाद से आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है और आप कई चमत्कारिक सुधार देखेंगे। माता भद्रकाली आपके जीवन में इसलिए प्रसन्न हुई हैं क्योंकि आपने ईश्वर की भक्ति और उनके प्रति अपनी श्रद्धा को सच्चे दिल से निभाया है। आपकी तपस्या, साधना और सही कर्मों के कारण माता भद्रकाली ने आपके ऊपर अपनी कृपा की वर्षा की है। इस समय उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि की बौछार होगी। पहला बदलाव जो आप देखेंगे, वह है आर्थिक स्थिति में सुधार। माता भद्रकाली की कृपा से आपकी वित्तीय समस्याएं समाप्त होंगी। आपके द्वारा किए गए प्रयास अब फलदायक होंगे और आप आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे। जिन लोगों को लंबे समय से धन की कमी या वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा था, उनकी स्थिति अब बेहतर होगी। माता भद्रकाली की कृपा से आपके घर में खुशहाली आएगी और आपको एक नया वित्तीय अवसर प्राप्त होगा, जो आपकी स्थिति को स्थिर और सशक्त बनाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव है स्वास्थ्य में सुधार। माता भद्रकाली की शक्ति से आपके स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक सुधार होगा। यदि आप किसी बीमारी या स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, तो अब आप स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। आपकी ऊर्जा और शारीरिक बल में वृद्धि होगी, जिससे आप अपनी दैनिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। माता भद्रकाली की कृपा से आपको रोग मुक्ति मिलेगी और आप एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। तीसरा चमत्कारिक बदलाव है आपके कामकाज और करियर में सफलता। माता भद्रकाली की आशीर्वाद से आपके करियर में नए अवसर खुलेंगे। लंबे समय से अटके हुए कार्य अब पूरी तेजी से संपन्न होंगे और आपके प्रयासों को उचित मान्यता मिलेगी। यदि आप नई नौकरी की तलाश में थे या करियर में किसी नई दिशा की ओर बढ़ना चाहते थे, तो यह समय आपके लिए बहुत शुभ है। माता भद्रकाली की कृपा से आपको अपनी मेहनत का उचित फल मिलेगा और आपके करियर में महत्वपूर्ण उन्नति होगी।
चौथा महत्वपूर्ण पहलू है आपके दुश्मनों का अंत। माता भद्रकाली की शक्ति से आपकी समस्याओं का समाधान होगा और आपके दुश्मनों का खात्मा होगा। जो लोग आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे या आपकी प्रगति में बाधाएं डाल रहे थे, वे अब हार मानेंगे। माता भद्रकाली की कृपा से आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ये समय आपके लिए आत्मसंरक्षण और विजय का संकेत है, जिसमें आप अपने दुश्मनों को पराजित कर सकेंगे और आपके जीवन में शांति का आगमन होगा। पांचवा बदलाव है आपके व्यक्तिगत जीवन और संबंधों में सुधार। माता भद्रकाली की कृपा से आपके परिवार और व्यक्तिगत संबंधों में सकारात्मक बदलाव होंगे। आपके रिश्ते मजबूत होंगे और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। यह समय आपके लिए अपने प्रियजनों के साथ अच्छे समय बिताने और नए रिश्तों को बनाने का है। माता भद्रकाली की आशीर्वाद से आपके घर में प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ेगी और आपके रिश्ते मधुर होंगे। इस प्रकार माता भद्रकाली की कृपा से आपके जीवन में कई अद्भुत बदलाव आएंगे। उनकी शक्ति और आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, समृद्ध और सफलता का आगमन होगा। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है, जिसमें आप अपनी समस्याओं को पार करके नए अवसरों का लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, इस चमत्कारिक समय का लाभ उठाने के लिए कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में माता भद्रकाली के नाम लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस अद्भुत समय का लाभ उठा सकें। जय माता भद्रकाली।